बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने बनानी है आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो जिस तरह से मैं अपने घर में बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं और थोड़े डिफरेंट स्टाइल में हैं। तो आए हम अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बैंगन के फ़ायदों के बारे में भी बात कर लें। बैंगन जो है इनमें विटामिन ए बी सी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होती है और इसमें बहुत मिकदार में आयरन भी पाया जाता है। तो जो आजकल इतनी सुईयर बीमारी आई है उसने जिसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा के रखा हुआ है, उसके लिए इम्यून सिस्टम में भी इसका बहुत अहम किरदार होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में इसको शामिल करें और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और पूरी दुनिया में जितने लोग हैं इस बीमारी से मुतासर हो रहे हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। यहाँ पे मैंने बैंगन को पानी के अंदर डिप कर लिया है क्योंकि बैंगन काले होने लग गए थे। और ये टिप भी है कि जब आप बैंगन काटें तो उसको पानी के अंदर काटें, क्योंकि बैंगन फ़ौरन से ही काले होने लग जाते हैं और बिल्कुल काले ही हो जाते हैं अगर आप इनको पानी के अंदर ना डिप करें। डिप करने के बावजूद ये काले हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे जो हैं बैंगन को हमने काट लिया है और छोटे छोटे स्लाइसेस में इनको काटना है। तो मैंने इधर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, आलू लिए हैं आधा किलो और इनको काट लिए छोटे छोटे स्लाइसेस में। तो हमने चढ़ा दिए दिया चूल्हे पे, घी डाल दिया, इसके अंदर हमने प्याज डाल दिए हैं और साथ ही जो हरा लहसुन है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो जब हमारे प्याज इस सिचुएशन में आ जाएंगे, इतने ब्राउन हो जाएंगे, तो हमने इसके अंदर बैंगन डाल देने हैं सारे और साथ ही जितना हमारा मटेरियल है वो सारा कुछ हमने इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर टमाटर भी डाल जाएंगे और जितने हमारे इसके अंदर हमने मसाले शामिल करने हैं वो भी हमने सारे इसके अंदर डाल देने हैं। अब हम इसके अंदर आलू भी डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर मैंने टमाटर भी डाल देने हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारे अपने जो स्पाइसेस हैं वो भी डाल देने हैं। सबसे पहले मैं पाउडर वाली मिर्चें डालूंगी, सुरख, ये मैंने इसके अंदर दो डाली हैं। हल्की सी स्पाइसी बनेंगे इसलिए मैंने इसके अंदर 2 चम्मच डाल दिए हैं। और अब हम इसकी मैंने इसके अंदर ये 1/2 चम्मच हल्दी की डाल दी है, नमक जाएगा 1 चम्मच। और यहाँ पे मेरे मसाले कंप्लीट हो गए हैं, इनको मैंने मिक्स कर देना है और मिक्स करके हो गए सारे। अब मैंने इसको करके इसको दम दे देना है और मीडियम फ्लेम नीचे रख देना है। ये देखें यहाँ तक मेरी ये हंडिया की एक दो दफ़ा मैंने उसका ढक्कन उतार के चमचा हिला दिया था, उसके बाद मेरी हंडिया की ये वाली हालत हो जाएगी। इसको मैंने थोड़ी सी हाई फ्लेम करके भून लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैं भून रही हूँ, जब तक आपकी हंडिया थोड़ी थोड़ी सी लगने ना लगे ये भुनी नहीं जाएगी। ये देखें मेरे साथ जलने लग गई है, आपकी हंडिया भी जलनी चाहिए, फिर इसके अंदर भरते का टेस्ट आएगा। यहाँ पर जब आपने इसको भूनना है तो इसका फ्लेम हाई करके भुनेंगे, इस वजह से हल्की हल्की जलने लग जाएगी हंडिया। जब ये जलेगी तो फिर इसका भरते वाला टेस्ट आने लग जाएगा। यहाँ पे हमारी हंडिया तैयार है, अब मैं इसको उतार लूँगी और डिश आउट करूँगी। आप देख सकते हैं मेरी हंडिया कितनी प्यारी बनी है और इसका कलर कितना प्यारा आया है। बिल्कुल ये भरते की शक्ल ही लग रही है इसकी। बहुत आसान और सादा तरीके से मैंने इस डिश को बनाया है। सारे किचन के रेगुलर मसाले डाले हैं जो आपके किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं। आप मेरी इस डिश को ट्राई करें और मेरे साथ शेयर करें आपको मेरी ये डिश कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी है तो मेरी इस डिश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।